संसद में मेरी सहयोगी इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसदा श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, भारत सरकार की स्वास्थ्य सचिव श्रीमती प्रीति सूदान जी, हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में स्पेशल सचिव श्री संजीवा जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्री आलोक जी, CGHS के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अतुल प्रकाश, एडवाइजर डॉक्टर जोशी, एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर संजय जैन और कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर भावना मिश्रा, उपस्थित सभी CGHS के वरिष्ठ अधिकारीगण, डॉक्टर्स, सभी CGHS से जुड़े हुए स्वास्थ्यकर्मी, आज के इस कार्यक्रम के सभी अतिथिगण और मीडिया मित्रों, मुझे बहुत आज के इस कार्यक्रम में आकर अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि मैंने भी बचपन के अंदर CGHS की डिस्पेंसरी की ही दवा खाई है और CGHS का मैं अपने आप बहुत कारणों से आई ऑलवेज फील इंडेप्टेड टू द CGHS स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर वेरी पर्सनल रीजंस ऑल्सो। बचपन में हम लोग पुरानी दिल्ली में पैदा हुए थे, तुर्कमेन गेट के पास, और मेरे पिता स्वयं गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो CGHS की सर्विसेज हम लोग अवेल किया करते थे। तो जो बोलचा के पीछे डिस्पेंसरी है दरियागंज के अंदर, पुराने वाले दरियागंज में, चांस की बात है, वो अभी मेरी कंसल्टेंसी का भी पार्ट है, वहाँ पर हम लोग दवा लेने जाया करते थे। और बाद में लेट 60s के अंदर जब हमने कृष्णानगर में अपना निवास हमारे पेरेंट्स ने बदला, तो कृष्णानगर से पटपड़गंज के अंदर एक डिस्पेंसरी होती थी पटपड़गंज रोड पे, उसके अंदर दवाई लेने जाते थे। उस जमाने में फैसिलिटी होती थी, अभी भी है खैर, अभी तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया है कि आप किसी भी स्पेशलिस्ट के पास कहीं भी जा सकते हैं, बहुत उसमें ओवर सिंप्लीफिकेशन हो गया मेरे हिसाब से। लेकिन उस जमाने में कुछ कुछ CGHS की डिस्पेंसरीज में कुछ दिनों पर, निर्धारित दिनों पर स्पेशलिस्ट लोग आया करते थे। तो हमारे जमुना पार्क के अंदर, शाहदरा के अंदर डिस्पेंसरी होती थी, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डेज के ऊपर स्पेशलिस्ट आया करते थे। और मेरे पिता जो है वो कृष्णानगर से, और जब स्पेशलिस्ट को दवा लिखाने के लिए जाना होता था कोई ब्लड प्रेशर की या किसी भी चीज़ की, तो वो कृष्णानगर से शाहदरा तक जो है वो पैदल जाया करते थे। अच्छा खासा फासला है वो, 4-5 किलोमीटर का। तो मैं उनसे पूछा करता था कि आप इतनी दूर पैदल जाते हो, एक रिक्शा वगैरह क्यों नहीं ले लेते हैं? तो कहते थे दो इसके फायदे होते हैं, एक तो मेरी 25 पैसे की सेविंग होती है। उस जमाने में 54 जो है वो रिक्शा के ऊपर लगा करती थी, और दूसरा वो स्वयं हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक थे, योगा वगैरह बहुत करते थे, और शायद उनको फिजिकल एक्टिविटी का महत्व, जो आज बहुत हाईलाइटेड है, उनको शायद उस जमाने में भी बहुत उसका महत्व पता था। तो एक दफ़ा वो दवाई लेने के लिए गए, और उसके बाद उन्होंने मुझे वैसे ही कहा कि मुझे आज पहली बार ऐसा लगा कि इतनी दूर जाने पे, ये लगभग 89 की बात है,
इतनी दूर जाने पे मुझे लगा कि ऐसे कुछ छोटा मोटा बहुत जैसे कहते हैं माइनर सा जिसको आयोटा भर बोलते हैं ना, तो आयोटा भर मुझको भी लगता है कि शायद कोई हल्का सा कोई स्ट्रेन होता है इसके ऊपर चेस्ट के अंदर। तो मैं स्वयं डॉक्टर था तो मैंने कहा सारे टेस्ट वगैरह एक बार करा के देखता हूँ। उन्होंने कहा टेस्ट वेस्ट की कोई जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने अपने दोस्त जो हमारे साथ उसने प्री मेडिकल किया था, फिजिशियन था, एंटी मेडिसिन, उसको दिखाया, उसने भी सारे टेस्ट वेस्ट किया। उसने कहा कुछ है तो नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि फिर भी सारे चेक कराने चाहिए। उसने भी कहा ऐसा करो और फर्दर चेक भी करा लो, ये जो TMT टेस्ट होता है या आगे वो कुछ और, कम से कम TMT वगैरह तो करा लें, इको वगैरह करा लेते हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। तो उस जमाने के अंदर मुझे याद है कि मैं उनको बत्रा हॉस्पिटल लेके गया और बत्रा हॉस्पिटल में मंडे के दिन उनके टेस्ट कराए, तो देखा कि जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल थे, सब कुछ नॉर्मल था, सारे टेस्ट नॉर्मल थे, तो उसके उनके जो TMT जो है उनका पॉजिटिव आया। तो TMT पॉजिटिव आया तो वो मैंने थोड़ा रिसर्च किया था कि उस समय बत्रा हॉस्पिटल का कार्डियोथोरेसिक सर्जरी में काफ़ी नाम था, तो उन्होंने फिर जो है कहा कि ये एंजियोग्राफी भी करनी पड़ेगी। तुरंत जो है वो ट्यूसडे के दिन मंडे को दिखाने गए, जिन इको हुआ ट्यूसडे को उनकी जैसे कहते हैं ये एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी में देखा कि ऑल द 3 आर्टरीज वर ऑलमोस्ट 100% ब्लॉक्ड, ऑलमोस्ट 100% ब्लॉक्ड, मतलब सब एकदम कैल्सिफाइड और ऐसे वैसे सब हो रखी थी। तो डॉक्टर गणेश मणि थे, उन्होंने कहा कि हमने रिसर्च किया था कि भाई हु इज द बेस्ट पर्सन, तो हम उसी हिसाब से बत्रा में लेके गए थे। उनका आई डोंट वांट टू वेट इवन फॉर अ डे, तो मंडे आई हैड गॉन देयर, वेडनेसडे के दिन जो है हमने उनकी बाईपास सर्जरी कराई एंड ही लिव्ड आफ्टर दैट फॉर 9 ईयर्स। बट व्हाई आई रिमेंबर CGHS कि उस जमाने में अगर मुझे अपने दम पर अगर बत्रा हॉस्पिटल के अंदर अगर अपने फादर की ऑल्दो आई वाज अ डॉक्टर, आई वाज अ कंसल्टेंट ENT सर्जन, हैड बीन इन प्रैक्टिस फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, बट आई यूज टू चार्ज वेरी लिटिल एज कंसल्टेशन फीस। और मैं अपने दम पे अगर मैं चाहता तो शायद मैं उनकी प्राइवेट हस्पताल के अंदर जो है वो जो बाईपास सर्जरी है वो ना करा पाता। बट इट वॉज थैंक्स टू CGHS, जो भी प्रोसीजर थे, परमिशन लेना, ये करना, वो करना। अभी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रह गया, अभी जब मैं आज का स्टडी करता हूँ और वो 30 साल पहले का स्टडी करता हूँ तो देर इज अ सी चेंज, बहुत उसमें ज़मीन आसमान का एक प्रकार से फ़र्क आ गया है। और इस नाते मैंने जैसा कहा कि अपनी बात शुरू करने के लिए कि आई हैव अ वेरी इमोशनल यू कैन से कनेक्ट विद द CGHS। और जो अभी डॉक्टर मीनाक्षी लेखी जी बात कह रही थी, तो जब उन्होंने ऐसी बात कही तो मैं भी ऐसे आई जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि यार 25 साल में मेरे पास भी पब्लिक लाइफ में कितनी ऐसी शिकायतें आई कि फलाने डॉक्टर को यहाँ से हटा के वहाँ पहुँचा दो या कुछ कर दो। तो सही में मेरे पास भी ऐसी ही शिकायतें आई हैं कि भाई ये डॉक्टर को यहाँ से हटा रहे हैं, ये CGHS वाले, पब्लिक चाहती है कि ये यहीं रहे, फिर भी ज़बरदस्ती हटा रहे हैं। तो ये मतलब दैट इज आई थिंक ए ग्रेट ट्रिब्यूट टू द सिंसियरिटी ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन CGHS। और ख़ासकर जो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर जो स्टेज पे भी और इधर उधर सामने भी दिख रहे हैं, ज़्यादातर इन लोगों को मैं शक्लें इनकी पहचानता हूँ। सब ने 94 में जब हमारे लिए बड़ा मेजर चैलेंज था कि पोलियो इराडिकेशन को पहली बार हम लोग कर रहे थे देश में और एक साथ सारे बच्चों को पोलियो केंद्र पर पहुँचाना था, -20 डिग्री पर वैक्सीन और ये सारी चीज़ें, तो उस समय एक एक डॉक्टर ने दिल्ली के अंदर, वेदर ही वॉज इन CGHS, वेदर ही वॉज इन द प्राइवेट सेक्टर, वेदर ही वॉज इन एनी अदर कंपोनेंट ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, सब ने बहुत मदद किया और सभी लोग जो है ये बहुत एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया। और आप सबके कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण आज जो है वो बीमारी को भी हम लोग इरेडिकेट कर पाए हैं। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है कि अभी जो सारे 2014 के अंदर भी मैं 5-1 महीने के लिए हेल्थ मिनिस्टर बना था, तब भी कई सारी कुछ एक CGHS की, खास कर नई दिल्ली के साइड की डिस्पेंसरीज को मैंने विजिट किया था।
उस समय कई सारे सजेशंस वगैरह भी डिस्कशन करके दिए थे और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा कि अभी 2014 और 19 में भी एक ज़मीन आसमान का जो है फ़र्क आया है, जो एक तरह से डिलीवरी के अंदर जो रिफॉर्म्स आए हैं, जो ट्रांसपेरेंसी आई है, पारदर्शिता है, डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल है, कंप्यूटर का इस्तेमाल है, सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ये, और जो हमारा आउटरीच जो मैकेनिज्म है इसमें भी कितनी हमारी प्रोएक्टिविटी है। अभी आप जो डॉक्टर ईशा जोशी ने बताया कि भाई पहली क्लिनिक 1954 में खुली थी, तो मैं वही सोच रहा था कि मैं भी 1954 में ही पैदा हुआ था, मेरे से बड़ी थी कि मेरे से छोटी थी। अब उसकी डेट ऑफ बर्थ पता लगे तो मुझे आइडिया लगे कि वो जो क्लिनिक है, तो फिर मेरा उस क्लिनिक से भी थोड़ा इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा कि सेम साल में ये जो है पैदा हुई। और उन्होंने बताया कि उसका नाम भी नंबर वन क्लिनिक और हेल्थ, मतलब अभी तो वेलनेस सेंटर नाम हम लोगों ने रख दिया। तो लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैंने नोटिस की कि पहली क्लिनिक 1954 में खुली एक शहर में, और 2014 में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था तो उस समय लगभग 25 शहरों के अंदर, यानी एक से 1954 से 2014 तक हम 25 शहरों तक पहुंचे। लेकिन आज जब मैंने 2019 में दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद इवैल्यूएट किया कि भाई ये जो पाँच साल का जो पीरियड है इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई, तो शायद 71 शहरों में हम पहुंच गए। नहीं, वो तो ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज कि फ्रॉम 1954 टू 2014 हम एक शहर से 25 शहरों में पहुंचे, लेकिन अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हम 2014 से 2019 के अंदर हम जो है इसमें 71 शहरों में पहुंच गए। और अभी मैं ये सोचता हूं कि आप कम से कम ये टारगेट जरूर बनाइए कि 2022 में जब न्यू इंडिया डिलीवर करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर, तब 2022 में हम 100 शहरों के अंदर जरूर पहुंच जाएं। मतलब वो सेंचुरी जो है वो उसके लिए अगले 5 साल का इंतजार मत करिए। हम 71 से, आपने कहा कि आप 75 पहुंचने वाले हो, बट आई वांट यू टू रीच द सेंचुरी मार्क बाय 2022, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जितने एग्रेसिव जिसे कहते हैं रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन मोदी जी के समय में हुआ है। देखिए अटल जी ने 1 से 5-6 एम्स के ऊपर अपना सपना प्रारंभ किया, वो जो है आज 22 एम्स तक पहुंच गया है। 157 मेडिकल कॉलेजेस केवल पिछले 5 साल में, और प्लस जो आज जो अप्रूव हुए 75, तो 157 न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को परिवर्तित करके इतनी बड़ी जैसे कहते हैं छलांग, तो मुझे लगता नहीं वर्ल्ड में कोई भी देश ने इतने कम समय में किसी भी हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार के द्वारा, और इसमें जो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और उसके ऊपर फिर दुनिया का सबसे बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम आयुष्मान, और उसमें भी कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, उसमें भी 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि 20,000 जो है ऑलरेडी लेस देन 1 ईयर में खोल दिए गए हैं। अभी एक साल आयुष्मान का 23 सितंबर को होगा, आज 1 सितंबर है, ये महीना जो है हम लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, वी आर कम्प्लीटिंग 1 ईयर ऑन 23rd सितंबर, तो 1 साल से पहले 20,000 हमारे हो गए हैं, मार्च तक 40,000 हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक 150,000 हो जाएंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी, और फिर जैसे अभी आपने सबने देखा कि जो शायद इस शताब्दी का सबसे बड़ा मेडिकल एजुकेशन का रिफॉर्म भविष्य में याद किया जाएगा, वो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो भी जो है इसी सरकार ने स्थापित किया, बहुत सारे जो है इसमें आपके CGHS में, तो मैं देख रहा था कि अभी कितनी प्रकार की लोगों को सुविधाएं हो गई हैं कि जो CGHS का एम्प्लॉय है, पहले तो कितनी तरह की परमिशंस लेनी पड़ती थी, अभी तो किसी डॉक्टर ने कोई टेस्ट लिखा, कोई ऑपरेशन लिखा, कुछ भी लिखा जहाँ पे अप्रूव्ड है
जहाँ पे रेट लिस्ट जिसकी क्लियर है, जहाँ पर वो एम्पैनल्ड है, सीधे आप कहीं वॉक इन कर लो, डायरेक्ट वॉक इन करना है डायरेक्ट वॉक इन कर लो, एमरजेंसी में जो है अनरिकॉग्नाइज्ड अस्पताल में वॉक इन करना है अनरिकॉग्नाइज्ड में वॉक इन कर लो, सबके लिए यानी इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुविधा है। एंड आई वाज सो हैप्पी टू लर्न कि जो 80 साल से ऊपर के हैं उनको CGHS का डॉक्टर जो है वो रेगुलरली फ़ोन करके पूछता है आर यू फाइन, और अगर 2-4-5 किलोमीटर में रहता है तो उसके घर में जाकर विजिट करता है। मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। और मैं इसी के आधार पर मैंने डॉक्टर अतुल प्रकाश से शुरू में अभी बात किया था, तो मैंने उनको कहा था कि आपकी जो CGHS की स्कीम जिस स्तर पर पहुंची है, जो इसके माध्यम से सर्विसेज दी जा रही हैं, और जैसा वहाँ पे एक सोबर एटमॉस्फेयर है, सारी चीज़ें हैं, भले ही जहाँ ज़्यादा OPD अटेंडेंस होगी वहाँ थोड़ा प्रेशर रहता होगा कि हाउ मच टाइम यू कैन गिव टू योर पेशेंट, तो इसमें एक पोटेंशियल है कि ये खाली देश की ही नहीं अपितु दुनिया की बेस्ट स्कीम इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, व्हाट यू डिलीवर एंड हाउ यू डिलीवर एंड व्हाट इज़ योर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इसका पोटेंशियल है। अब उस पोटेंशियल को पहले तो इवैल्यूएट करें, और इवैल्यूएट करके उस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए हम लोगों की तरफ से, मैं अपनी तरफ से और दो हमारे अधिकारी जो सीनियर बैठे हैं इनकी तरफ से आपको ऊपर आश्वासन दे रहा हूं, डॉक्टर अतुल प्रकाश जो भी आपके सीनियर 25 आदमी हो उनके साथ बैठ के 2-4 दिन अपनी इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, इवैल्यूएट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग, और इसको वर्ल्ड क्लास दुनिया की नंबर वन स्कीम ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड पब्लिक आई में, इंटरनेशनल आई में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिकॉर्ड्स में सब जगह बनाने के लिए हमें जो जो कुछ इसमें अभी माइनस बचा हो, तो अभी मान लीजिए अभी भी कोई लूप होल्स बचे हैं जिसके कारण कोई कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार होता है, उसको हम दूर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मान लो 100% की अभी नहीं है, उसको 100% हम कैसे कर सकते हैं। जो सिस्टम के अंदर अगर मान लीजिए कहीं पे कोई कंपैशन की कमी है, वो डॉक्टर लोग सब जानते हैं कि जो डॉक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो उसका व्यवहार होता है, उसकी संवेदनशीलता होती है, हाउ ही बिहेव्स विद द, क्योंकि जो मरीज़ जो CGHS में बीमारी लेके आते हैं वो बहुत बड़ी बीमारियां नहीं होती, यूजुअली लोग रूटीन चीज़ों के लिए आते हैं, और उनके लिए दवा से ज़्यादा जो होता है वो डॉक्टर से मिलकर और डॉक्टर को अपनी तकलीफ़ बता दी, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादातर लोगों की तकलीफ़ दूर हो जाती है। वो गोली वगैरह तो ठीक है क्योंकि एक फैसिलिटी है इसलिए लोग आते हैं दवा लेते हैं, कुछ वो ज़रूरी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा दवा से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका व्यवहार। और वो जनरली जैसा बताया कि बाय एंड लार्ज कोई ऐसी शिकायतें इस तरीके की हम लोगों को नहीं आती, तो इसमें सब तरीके से एक हमारे पास एक बड़ा पोटेंशियल है। आज ये जो एक नया हमने सोचा कि भाई जो कम से कम 75 साल से ऊपर के हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी साल में 6 महीने में जितना भी ज़रूरी है उसमें एक बार कम से कम बुलाकर उनका डिटेल्ड हेल्थ चेकअप कर लें, तो ये देश के लिए भी अच्छा है, हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए भी अच्छा है, बुजुर्गों की सेवा के लिए भी अच्छा है, और इसके कारण आपको जो है एक एक्स्ट्रा जैसे कहते हैं, बाकी तो डॉक्टर मरीज को देखने में जो आपको पुण्य मिलता है वो तो है ही है, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पुण्य लाभ आपको मिलता है 75 साल के लोगों को याद करके, बुला के, चेकअप करके। और ये मैंने आपको अपने स्वयं फादर का उदाहरण दिया, उनको कोई तकलीफ नहीं थी, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, जिसे कहते हैं माइनस में सिम्टम्स थे, उसके बावजूद भी व्हेन आई गॉट हिम इन्वेस्टिगेटेड ही हैड टू बी प्रोवाइडेड ए बाईपास सर्जरी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मोमेंट। तो ये हर घर के अंदर ये सारी बुजुर्ग लोगों के साथ समस्याएं हो सकती हैं, तो हम ये जो आज कैंप शुरू कर रहे हैं ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको भी बहुत जिसे कहते हैं हृदय मन लगाकर इसको गहराई से हमें करना है, और ख़ासकर जो 80 साल से ऊपर की जो आपको टेलीफोन करके बात करने वाली जो स्कीम है जिसके बारे में उल्लेख है इसमें, आई कांट से कि प्रैक्टिकली कितने लोग करते होंगे, लेकिन अगर उसमें भी कोई कमी पेशी हो वो भी करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक पेशेंट जिससे आप एक अच्छा व्यवहार करते हैं
और खासकर जिसको आप घर में फोन करते हैं वो आपका 1000 जगह पर प्रचार करता है और सब जगह पे वो उठते बैठते सब जगह बात करता है, कमाल हो गया। वो डॉक्टर ने जिसने जिंदगी भर इलाज किया मुझे अब फोन करके भी पूछता है, कभी कभी मेरे पास चाय पीने के लिए भी आ जाता है। अभी एक मैंने एक CGHS के डॉक्टर को जो है उसकी ऐसे रूटीन में मैंने ड्यूटी लगाई, मैंने कहा यार कभी कभी जाके हमारे अडवाणी जी को जरा मिलके आया करो, उनको थोड़ा जस्ट हेलो हाय कराया करो और थोड़ा उनका कभी ब्लड प्रेशर वगैरह, उनको कोई रोग नहीं है कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ उनका ब्लड प्रेशर वगैरह देखाया करो। एक सीनियर आपके ही CGHS के डॉक्टर, मुझे अडवाणी जी ने उनके परिवार के लोगों ने कहा यार ऐसा आपने कैसा आदमी भेज दिया है, इतना शानदार डॉक्टर, इतना बढ़िया ह्यूमन बीइंग, कमाल हो गया। मतलब वो मुझे जब मिलते हैं तो इतनी तारीफ करते हैं परिवार के लोग, वो 10-20 दिन 25-50 दिन में थोड़ा एक बार दो बार हो आते हैं, जस्ट उनको हेलो हाय कराते हैं मिलाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मतलब माइलस्टोन जैसा ये वाला कार्यक्रम है ये CGHS की हिस्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आज तो आपके लिए बहुत बधाई का दिन है, अभी मैंने तो देखा नहीं, प्रीति जी ने अंदर देख के बताया कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, बहुत बढ़िया है, बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड थी। पहले तो निर्माण भवन में छठी मंजिल पे चलता था, वहाँ से फिर कौन से बैरक में चला गया, बैरक से कहाँ आ गया, फिर वहाँ से अब ये इतने बड़े और मीनाक्षी जी को स्पेशल बधाई देता हूँ। अब देखिए मेरा इलाका तो दूर है, ये सारे जितने हमारे हेल्थ के काम हैं सब इनके इलाके में हमें करने पड़ रहे हैं, जो हमें कोई उसका कोई अफसोस नहीं है, लेकिन हमें खुशी है कि उनके इलाके में ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ये CGHS की फैसिलिटी जो है क्रिएट हुई है, और उन्होंने भी आज समय दिया है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे BJP के जो है वर्कर्स भी, यहाँ पर हमारे राधे श्याम जी आए हैं जो हमारे यहाँ के बहुत पुराने सीनियर लीडर रहे हैं, और भी कई BJP के वर्कर्स को भी मैं देख रहा हूँ, मैं उनका भी सबका धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अतुल प्रकाश जी इसको वर्ल्ड की बेस्ट स्कीम बनाने के लिए आप अपने इन सीनियर लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करिए, और अभी 100 दिन ये वाले पूरे हो रहे हैं, अगले 100 दिन में आई थिंक वी कैन मेक एड लॉट ऑफ न्यू रिफॉर्म्स टू द होल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच, नमस्कार।